केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। मेरठ में झगड़े के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस फैंटम के एक सिपाही की आरोपियों ने टांग तोड़ डाली। सिपाही ने आरोपियों के पिता को थाना ले जाने से नानुकर करने पर थप्पड़ मार दिया था। इससे आहत बेटों ने सिपाही पर हमला बोल दिया। पुलिस पर हमले की सूचना पाकर कई थानों की फोर्स वहां पहुंच गई। हमलावर तो वहां नहीं मिले, अलबत्ता पुलिस घर के भीतर खड़े ट्रैक्टर वे अन्य वाहन वहां से उठा लाई। अब आरोपियों की तलाश की जा रही है। यह मामला मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के शौकीन गार्डन का है। दरअसल बुधवार की रात लिसाड़ी गांव निवासी राजू का जाहिद से शराब पीने के दौरान विवाद हो गया था। आज सुबह जाहिद फैंटम पुलिस लेकर राजू को सबक सिखाने के लिए उसके घर पहुंच गया। बाहर बैठे राजू के पिता हाजी यामीन को पुलिस ने पकड़ लिया और थाने ले जाने लगे। यामीन ने नानुकर की तो सिपाही अजय पाल ने थप्पड़ मार दिया। यह देख भीतर से यामीन के बेटे आकर वे सिपाही पर टूट पड़े। बताया जा रहा है कि अजय पाल का पैर टूट गया है। इस घटना के बाद वहां भारी फोर्स पहुंच गई है। देखिए पुलिस की कार्रवाई। गाड़ी तो फ्री कर दी यार। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।